हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी बहुत ही डिमांडेड मीसो साड़ी हॉल, वो भी कॉटन की साड़ियाँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो प्रिंटेड कॉटन की साड़ियाँ हैं मीसो में, वो आप रिव्यू करो। तो मैंने यहाँ पे कॉटन की साड़ियाँ ज़्यादा रखी हैं, लेकिन और भी साड़ियाँ हैं, लाइक थोड़ी फेस्टिव वेयर भी है, थोड़ी डिज़ाइनर भी है। तो सारी टाइप की साड़ियाँ मैंने आज इस ऑर्गेन्जा की साड़ी भी है, वो कंगना रनौत वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मीसो नहीं पता क्या है, तो मीसो है इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप, जहाँ से आप खुद के लिए भी परचेस कर सकते हो सबसे कम प्राइस में, और दूसरों के लिए भी कर सकते हो, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल में आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, तो आपको नहीं पता है तो आप एंड तक ज़रूर देखना। आपको पता है तो आपको पता ही है मीसो कैसे वर्क करता है, क्या है क्या नहीं है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मीसो साड़ी हॉल। तो फर्स्ट जो साड़ी है वो है ये वाली साड़ी। इसकी प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। और इसकी क्वालिटी कॉटन की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको आप ब्लैक कलर की ब्लाउज़ के साथ पहन लो, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो मैंने साड़ी को लेने का रीज़न ये था ना कि मुझे इसकी प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो कुछ इस तरह की साड़ी है, ऑरेंज कलर की आपको दोनों ही साइड में ना बॉर्डर टाइप की मिल जाएगी, और पूरे साड़ी में इस तरह की प्रिंट है। और इस साड़ी का जो आंचल है कुछ इस तरह का है, ये देख रहे हो आप, बहुत ही खूबसूरत सा इसका आंचल है। लाइक जो ट्राइव का कल्चर होता है ना, उस तरह की है ये। आप देख सकते हो एक लेडी है यहाँ पे, ढोलक वोलक बजा रही हैं ये, आप देख रहे हो, पूरे फेस्टिवल से रिलेटेड है। एंड इसमें पूरे जो विलेज होती है, विलेज की जो विलेज का जो माहौल होता है, लाइक जिस तरह के छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, और इस तरह से लोग डांस करते हैं घूमते हुए, अब देख रहे हो इस तरह से, और पेड़ होते हैं, और सब मतलब एनिमल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इस साड़ी में है। तो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी, थोड़ी यूनिक लगी। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे थोड़ी ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती है। तो इस तरह की है ये साड़ी, और इस साड़ी में मतलब पूरे आपको विलेज तो मिल ही रही है, प्लस इस साड़ी का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, प्योर कॉटन की साड़ी है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी भी मेरे पास कॉटन की है। एक बात माननी पड़ेगी कि मीसो में जो भी कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उसमें प्रिंट बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत है। तो ये वाली साड़ी, अच्छा मैंने आपको इसके ब्लाउज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। इसमें जो ब्लाउज़ आपको मिलती है वो कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की मिलती है। अभी मैं पूरे नहीं ओपन कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे ही रख दूँगी ना तो पहनने के टाइम पे अच्छी नहीं दिखेगी, मुड़ मुड़ जाएगी, इसलिए। नेक्स्ट मैंने साड़ी ली है ब्लैक कलर में, ब्लैक वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में, बहुत ही ट्रेंडी साड़ी है, मतलब प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है इसका। और इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस साड़ी में पूरे इस तरह के पॉम पॉम लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पॉम पॉम वाली साड़ियाँ। और यहाँ आँचल में भी इसके पॉम पॉम लगे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा मैं आपको इस साड़ी को ओपन करके दिखाती हूँ। सो कुछ इस तरह की आपको पूरी साड़ी मिलेगी, ये आप देख रहे हो ना, लाइक ऊपर नीचे के साइड में आपको कुछ इस तरह के पूरे पॉम पॉम लगे हुए मिलेंगे, फिर ये प्रिंट है, सेकंड ऐसी है, थर्ड ऐसी है, फिर ये प्रिंट है, फिर नीचे ये प्रिंट है, फिर यहाँ पे आपको पूरी पॉम पॉम मिलती है। एंड पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलेगी, और इस साड़ी का जो आँचल है वो कुछ इस तरह का है। आंचल हो गया इसका कुछ इस तरह का। एंड इसमें जो आपको ब्लाउज़ की फैब्रिक मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। तो ब्लाउज़ की फैब्रिक भी काफ़ी अच्छी है, कॉटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे दोनों ही कॉटन की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी हैं, तीसरी वाली भी बहुत अच्छी है, मैंने 3 कॉटन की साड़ियाँ ली हैं। चलो अब मैं जो आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाने वाली हूँ वो है ऑर्गेन्जा की साड़ी। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई थी ये आपको दी गई है, ब्लाउज़ की फैब्रिक आई थिंक वाइट कलर की। बाकी पूरी जो साड़ी है कुछ इस तरह की ऑर्गेन्जा की साड़ी है। मैं आपको ना ओपन करके दिखा देती हूँ इस साड़ी को। इस तरह की ऑर्गेन्जा की साड़ी है पूरे, इसमें आप देख सकते हो इस तरह की फ्लावर प्रिंट है, बहुत ही लाइट साड़ी है यार, मस्त है। मगर आपको अगर ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ पहननी अच्छी लगती है ना, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, ये आप देख सकते हो,
कलर क्वालिटी सब कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस साड़ी की। तो डेफिनेटली आपको ये साड़ी चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। पूरी खुल गई यार, ये ना मुड़ जाएगी अभी मैं, क्योंकि ट्राई ऑन नहीं करने वाली हूँ, कल करने वाली हूँ। तो ऐसे ही रख देने से ना क्या होता है, मुड़ मुड़ जाती है साड़ियाँ। तो फिर बाय द वे बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, खास करके स्लिम स्लिम जो लड़कियाँ होती हैं ना उन पे बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उन पे थोड़ी सिल्क की साड़ियाँ और ऑर्गेंजा की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट जो साड़ी है वो है ब्लू कलर में, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। सैटिन की साड़ी है ये, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया हुआ है, और इसका ब्लाउज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह की आपको ब्लाउज की फैब्रिक मिल जाएगी, आई थिंक 80 सेंटीमीटर है। इस साड़ी को पहनने का असली मज़ा तभी है जब आप इस ब्लाउज़ को पहनोगे, क्योंकि नॉर्मल आप किसी भी ब्लाउज़ के साथ पहनोगे तो ये नहीं अच्छी लगेगी जितनी अच्छी इस ब्लाउज़ के साथ लगेगी। बिकॉज़ जैसा इमेज में दिखाया गया था वही हम माइंड में रखते हैं, तो फिर हमें वैसे ही इसको स्टिच कराना पड़ता है। और ये जो साड़ी है ये इस तरह की नेवी ब्लू कलर की सैटिन की साड़ी है, और इसमें आपको डार्क ब्लू कलर की इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी। पूरी साड़ी प्लेन है, जस्ट ये सैटिन की फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी फैब्रिक है, फैब्रिक में कोई कमी नहीं है। आई थिंक 600 रुपीज़ में जब आपको ये साड़ी मिल रही है, 600-500 में है शायद, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज, ये आप देख सकते हो। और इसमें इस तरह की थोड़ी सी डार्क कलर की बॉर्डर लगाई हुई है। तो इस साड़ी में आपको पिंक कलर भी मिल जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक है, रेड है, काफ़ी सारे कलर्स हैं, बट मुझे ये कलर चाहिए था तो मैंने इसको मंगवाया है। पिंक भी बहुत ही खूबसूरत है, नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है मैं उसको लूँ, बट अभी के लिए मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी है। नाउ जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये वाली साड़ी, और ये ऑरेंज एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है, लहरिया प्रिंट है, और जो फैब्रिक है इसकी ये प्योर जॉर्जेट की फैब्रिक है, फैब्रिक में कोई कमी नहीं है, अच्छी फैब्रिक है। प्लस इस तरह की पूरी गोटा पत्ती वाली बॉर्डर लगाई हुई है, और ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के लटकन भी लगाए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरी साड़ी ओपन करके दिखा देती हूँ। तो पूरी साड़ी आपको ऐसे प्लेन मिलेगी, जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह की बॉर्डर मिलेगी ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी। और जो ब्लाउज की फैब्रिक दी गई है वो भी आपको ये वाली दी गई है, लाइक यहाँ पे बॉर्डर है और सेम कलर की फैब्रिक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये वाली साड़ी ले रहे हो ना तो आप इसके साथ ये पिंक कलर की ब्लाउज़ पहनना, तो ही ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सेम सेम कलर की साड़ी सेम कलर की ब्लाउज़ पहन लोगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस कलर की प्लेन ब्लाउज़ होगी आपके पास तो आप उससे पहनना तो बहुत अच्छी लगेगी। प्लस इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, रेड है, ब्लैक है, ब्लैक वाली भी बहुत सुंदर थी, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन वो भी बहुत ही अच्छा था। बट मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, लाइक इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ऑरेंज एंड पिंक का। प्लस ये जो साड़ी है वो है गिव अवे में, तो ये साड़ी मैं आप में से किसी एक को दूंगी गिव अवे में। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे दोनों चैनल को अनंत माया ब्यूटी एंड तृप्ति ब्लॉग्स दोनों चैनल के आप सब्सक्राइबर होने चाहिए, और जेन्यून सब्सक्राइबर होने चाहिए, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मतलब हमेशा मेरे हर वीडियो में आपके कमेंट आते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी बहुत सिप में कमेंट देख के समझ जाती हूँ कि हाँ ये मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। तो मैं जो भी गिव अवे करूँगी वो अपने रेगुलर जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं, उन्हीं में से किसी को चूज़ करूँगी। तो बस आपको मेरे दोनों चैनल के सब्सक्राइबर होने हैं, और वीडियो में कमेंट करना है हैशटैग अनंतमाया ब्यूटी, बस इतना ही करना है आपको। प्लस आपको मेरे दिए हुए लिंक से मीशो को डाउनलोड करना है। सो क्या क्या रूल्स है, फर्स्ट वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे दिए हुए लिंक से मीशो को डाउनलोड करना है, एंड फिफ्थ है आपको कमेंट करना है हैशटैग अनंतमाया ब्यूटी। बस इतना ही, 5 सिंपल स्टेप आपको करने हैं, टिप 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 टिप, बस इतना करके आप इस ब्यूटीफुल सी साड़ी को अपने लिए या फिर अपनी मम्मी के लिए फ्री में ले सकते हो। अब जो नेक्स्ट साड़ी दिखाने वाली हूँ मैं गाइस, वो है ये वाली साड़ी, बट ये साड़ी मैंने ऑर्डर नहीं की है, मैंने ऑर्डर की थी ये ब्लैक वाली साड़ी, बट मुझे उस सेलर ने सेंड की है ये वाली साड़ी। तो कोई कोई सेलर ऐसा कर देते हैं, अब
नहीं भी तो ना 20 में से कम 20 प्रोडक्ट यदि मैंने ऑर्डर किए हैं तो उनमें से कभी कभार एक ऐसा हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको करना है एक्सचेंज। तो आप उसके लिए एक्सचेंज की ऑर्डर प्लेस कर दो, इसमें जा करके फ़ोटो क्लिक करके कि आपको रॉन्ग आइटम डिलीवर हुआ है। और भी मैंने ऐसा किया है, मुझे फिर सेम प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे मिल जाता है, तो मैं इसके साथ भी वही करने वाली हूँ। बट ये साड़ी भी बुरी नहीं है, ना ही इसकी क्वालिटी बुरी है, ना ही इसकी क्वालिटी ख़राब है। ये भी बहुत खूबसूरत सी इंडिगो की कॉटन की साड़ी है, वो भी कॉटन की ही साड़ी थी। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा ही देती हूँ, और इसका भी कोड मिलेगा तो मैं दे दूँगी। इस तरह से आपको इसका आँचल मिल जाएगा, एंड इस तरह की पूरी प्रिंटेड इंडिगो साड़ी है। ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में इस तरह की प्रिंट है, और पूरे साड़ी में कुछ इस तरह की प्रिंट है। काफ़ी अच्छी फैब्रिक है इसकी, मतलब अच्छी सॉफ्ट कॉटन है, और ब्लाउज़ के लिए आपको कुछ इस तरह का फैब्रिक मिलेगा। सो आप इंडिगो साड़ी लेना चाहते हो तो आप ये साड़ी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने ब्लैक वाली को ऑर्डर किया हुआ था, बट मुझे ये वाली रिसीव हुई है। यहाँ पे देखोगे एक छोटी सी वीडियो अबाउट मीसो की, मीसो क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड आप समझ जाओगे कि मीसो में क्या कैसे करना है। मीसो ऐप को ओपन करने पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ से जो भी शॉपिंग करनी है सारी आप कैटेगरी वाइज कर सकते हो। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कुर्ता एंड पैंट का सेट यहाँ पे आपको ओनली 530 रुपीज़ में मिल रहा है, और आपको टॉप लेने हैं, वेस्टर्न वेयर लेने हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मान लीजिए आपको ये जो टॉप है वो किसी को शेयर करना है, तो पूरे कैटलॉग को आपको शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। आप पहले बार में फ़ोटो सेंड होती है, एंड सेकेंड टाइम में उसके डिस्क्रिप्शन सेंड होती है, लाइक कौन सा साइज़ चार्ट है वगैरह, मटेरियल वगैरह, ये सारी चीज़ें सेंड होती हैं। तो इस तरह से आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। आपको किसी का ऑर्डर मिलता है तो आप इस तरह से सेम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको खुद के लिए परचेस करनी है तो जस्ट यहाँ 374 की जगह आपको यहाँ पे 375 रुपीज़ प्राइस डाल देनी है। 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। और आपको किसी कस्टमर के लिए यानी कि रीसेलिंग के लिए परचेस करना है तो आप यहाँ पे 450 डाल दो, तो 76 रुपीज़ आपकी मार्जिन हो जाएगी। तो इस तरह से आप मीशो में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और जल्दी जल्दी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, लेट करने से अच्छा है जल्दी जल्दी कर लो। तो मैं एवरी मंथ अपने 4 वीडियो में गिव अवे करती हूँ। किसी भी वीडियो के टाइटल में या थंबनेल में ये मेंशन नहीं होता है कि ये गिव अवे वीडियो है, कि ये गिव अवे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन सब्सक्राइबर के लिए है जो मेरे सारे वीडियोज़ को प्यार से देखते हैं। तो ये है मेरा छोटा छोटा प्यार जो मैं आपको एक एक करके सबको देना चाहती हूँ बस। सो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।